और मन में आ गया तो वो पढ़ लेंगे आंखें तो वो पढ़ ही लेंगे और उन्हें पढ़ भी लिया होगा मैं, मैं टोन डाउन कैसे करू उसको एक सिंसियर तरीके से कैसे दिखाऊं तो मैंने कहा ठीक है अग्री कर लो बिकॉज वन यू अग्री यू टोन डाउन अगर रोड एक्सीडेंट भी होता है ना कहीं ठुक ठुक जाए गाड़ियों को निकल के आता है आप एक बार ट्राई करना बस कभी भी किस झगड़ा हो ना अग्री कर जाना आप एकदम शांत हो जाओगे अग्री करते ही समी से अब तूने ऐसे कैसे कर दिया तो अपना को समझता क्या ये वो मेरी सीट पर बैठ गया ओह यार आई अग्री जैसे ही अग्री करोगे ना गुस्सा खत्म हो जाएगा एक कमाल की ताकत होती है तो मैं कहा यार अग्री कर लेता हूँ बात बन जाएगी मैं कहा यस सर आई अग्री बंदी थी भी तुकबंदी थी पोयम का तुकबंदी को मैं तो राइमिंग पोयम से लिखता तो, स्कूल में लिखता था स्कूल की हैबिट है यार इतना मेच्योर पोएट थोड़ा ना कि पता नहीं पैराग्राफ है पोएम है, पता है ना चले लोग वाह पोएम है ऐसा नहीं भाई पोएम पोएम लगनी चाहिए मेरे कहता हाँ सर तुक बंदी थी पर मुझे तो हंसी नहीं आई आई डेंट लाफ अरे यार ये तो मतलब पीछे ही पड़ गया मैं कहा कमेंट लिखो अब अब मैं पाँच सेकंड में कैसे हंसा दूँ यार इट्स नॉट पॉसिबल तुक बंद नहीं करना ही बहुत था तो चेयरमैन सपोर्टेडेडेडेडेड आप ये खिंचाई थी क्लियर और मेरा कोई रिस्पॉस नहीं था मैं, मैं हसा नहीं तो मैं आई एम सॉरी सर आई ट्राई माई बेस्ट इफ यू की मी फाइव मोर मिनट्स मैं आपको हंसा भी दूंगा अब यहाँ अगेन कॉन्फिडेंस था मुझे पांचवा मिनट दो मैं लिख के आपको हंसा दूंगा अब मैंने साबित कर दिया ऑलरेडी कि मैं कर सकता हूँ तो दोबारा प्रूफ नहीं चाहिए उनको और ये अगेन हाई था बहुत बड़ा हाई था कि मैं इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि हारने के बाद भी फिर उठ सकता हूँ फिर तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि आप फिर से लड़ तो अब चेयरमैन ने सपोर्ट किया नो नो आई लाव आई फाउंड इट फनी इट वॉज गुड और तुक अच्छी थी और लाइन बना लिया बहुत बड़ी बात है तो देट वज वन बिटवीन हाई तो एंड में एंडवियली उन्होंने बोला कि जाना पेरेंट्स so, को पोएटिव फॉर्म से सुना तो मैंने कहा था सर लैंग्वेज फिर कहाज मेरा जोक था कि सर फिर से मैं बताऊंगा विच लैंग्वेज बहुत लैंग्वेजेस तो

हेट यू नॉट हेट मी बंद लाइन का ही नहीं है तो यह मुझे तो वो श्योर था अब जब चौबे सर के पास गया तो, तो वैसे ही बहुत डिसेंट थे बहुत ही प्यार से थे तो जाते लाइफ में स्पेशल होगा और पता चला सबसे पूछा बैकग्राउंड जब दिमाग में आया डेफ में लिखा तो है पूछ के रहो पहले दिमाग में यही आता है कि वाई बट आई रियलाइज की नहीं ठीक है उनको बात करनी है यार इंटरव्यू वालों को आपको जानना है आई टेल यू आफ्टर दिस स्टोरी कि इंटरव्यू में उनको क्या पूछना होता है एंड आई न्यू दिस कि उनको क्या पूछना होता है कॉमन सेंस है तो बताऊंगा तो मैं कहा सर ठीक है अकेडमिक बैकग्राउंड बता दिया एंड आई डिड नॉट टेक द नेम ऑफ माई कॉलेज मैं नहीं करता मेरी आदत नहीं है, मुझे है, है कि मुझे लगता है बोस्िंग है जबकि मैं इतना डिजर्व भी नहीं करता आई टेली होता शायद मैं बढ़ चढ़ के बोलता सर आई टी डेली कंप्यूटर साइंस सर रैंक टू वन के आसपास ही सर बट आई टी गुहाटी में दो रैंक मैं तभी शर्म से अपना सर नीचे कर रहा था यार क्यों ही हो गया सच्चा नहीं होता तो क्या ही बोलूँ कि सर गुवाहाटी जस्ट बिकॉज गॉट सम का ठप्पा लग गया बस बस घुस गया अंदर मैकेनिक इंजीनियर फ्रॉम आई टी गाटी ये भी नहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ तो मैं नाम ही नहीं लेता था मैंने यार नहीं लेना यू जनरली शुड नॉट बोस्ट इन यार रैंक वन यू शुड नॉट बोस्ट ये तो अच्छी हैबिट होती है बोस् नहीं करना चाहिए बट उसके तरीके होता तो है कहता गुवाहाटी से मैके इंजीनियर फॉर गुहाटी से एवरी टाइम बोलते खत्म हो गया दिस प्लस पॉइंट आई न्यूट पता था कि प्लस पॉइंट है उसने रीड कर रखा डाउट उसको पता है आई से उस नाम नहीं लिया तो उसका वही एक तो उसका अच्छा लगा कि यार सही है बंदा ठीक है नहीं बोला